क्या बता रहे हैं? श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, आंखों देख कर आए गरीबदास जी बता रहे भगवान मनुष्य दृश्य है, सिंहासन पर बैठा है, राजा के समान मुकुट है। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा देखने में राजा के समान है और सिंहासन पर विराजमान है, वहां से गति करके यहाँ ताची आत्माओं को मिलता है। कवि एक उत्तराचरण करते हैं, वेद गवाही दे रहे, और जिस कारण उसको एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी दी जाती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और गरीबदास साहिब जी ने आकर बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। गरीबदास जी कहते हैं श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत न उस चेहरे नु, ऊंची थलिया खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे, ऊंची थलिया खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे। गिरदास जी भगवान को देख कर आए हैं और बताया है कि सिर पर मुकुट, ऊपर श्वेत छत्र है उस परम पिता के, और उसको ना देख करके तुम कोई निराकार निराकार का घाटा जोड़ रहे हो और कोई मुर्दों को पूजते हुए फिर रहे हो, और ऊंची थलियां खेती वो हैं, जैसे वर्तमान में ये फुहारे पूरे दीप चले हैं, पहले उस समय जब ये परमात्मा का ज्ञान गरीबदास जी को प्राप्त हुआ उस समय समझाते हुए कहा है कि जैसे एक डहर स्थान अक्षेत्र होता है जमीन का, डहर और एक होती है थली ऊंचे टीले, वर्षा पर आधारित था सारे कृषि जो है सिस्टम। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जो डहर स्थान होता है वो झील का स्थान होता है, समतल होता है और घना उपजाऊ होता है, और ऊंची थलियों पर वर्षा हो जाती है, वो भी पानी बह करके उस नीचे वाले डहर यानी समतल स्थान पर आता है, और जो ऊपर उन टिब्बों पर थलियों पर ऊंचे स्थानों पर डूंगर पर जो खेती करते हैं, वर्षा होगी कभी तो वो मुश्किल से एक एकड़ में दो मन दाने होते हों तो होना भी हो, और डहर के अंदर यदि आप डहर अक्षेत्र में बीजोगे तो एक एकड़ में 60-70 मन गेहूं हो कणक होते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं कि जो साधना आप कर रहे हो इन आन उपासना करके, तीर्थ व्रतों पर जाते हो, श्राद्ध करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो, और ये तो है समझ ले थलियों पर बीज बो रखा तुमने, वहां भूखे मरोगे, वहां से कोई उपलब्धि नहीं होगी, और आपका अपना जो वास्तविक फील्ड है डहर, जो आपका असली भगवान है, जो एक एकड़ में 60 मन 70 मन कणक आपको देगा, धनी बना देगा, उसको भूल गए, यानी उस परम पिता कबीर भगवान को भूलकर इन आन उपासना करके आप उस थलियों पर बीज बोने वाले किसान की तरह एक कंगाल हो गए जो अपने ही डहर को भूले बैठा है। तो गरीबदास जी ने आके वो डहर याद दिलाई, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। तो यहां क्या बता रहे हैं, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत न उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, कि ये संसार भोली आत्मा यथार्थ उस सच्चे सुख सथल सतलोक को भूल के इस काल के लोक में, और इसको यहां पर जैसे इतना दुख है आपको, कबीर साहब क्या कहते, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे।